गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ वर्कशीट 6.6. टू कोड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी. टू कोड्स ए सी एंड बी डी दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट पी. देन प्रूव दैट ट्राइंगल ए पी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी पी. इसको आपने प्रूव करना है. तो आपने क्या करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेना है जो आपने सिमिलर प्रूव करनी है. उन ट्राइंगल्स को आपने ए पी सी एंड बी पी डी इनकी नेमिंग कर ली. इन द ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल डी पी बी एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी. ठीक है, ये कौन से एंगल्स हैं ए सी डी और ए बी डी. ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपने ये सारे किया हुआ है कि ए डी इज द आर्क. नाइन्थ क्लास में किया था कि अगर ए डी आर्क है तो ए ओ डी के साथ जो भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं सी पॉइंट पे हो रहा है तो ये बन रहा है ए सी डी, और बी पॉइंट पे हो रहा है तो बन रहा है ए बी डी. ठीक है, तो ये कौन से हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. ठीक है, सेगमेंट कौन सी है आपकी ए डी. और उसी तरह से बी ए सी, बी ए सी और बी डी सी. ठीक है, बी ए सी और बी डी सी ये दोनों भी क्या हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. तो वो आपने दोनों लिख लेने. अगर आपको नेमिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू और एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. ठीक है, थर्ड क्या है कि इसमें दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो आप दो एंगल्स से एंगल एंगल क्राइटेरिया लगा के दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हो. लेकिन अगर आपने दो एंगल्स की जगह तीन एंगल्स लेने हैं तो वो भी ले सकते हैं. तो थर्ड एंगल भी इसमें फॉर्म हो रहा है, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, ये जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट है, एंगल ए पी सी और एंगल बी पी डी. तो दो एंगल से अगर आपका सिमिलर प्रूव हो जाता है तो थर्ड एंगल लेने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट आपने मैंने अब लिख ली है तो मैं एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा देती हूँ. आप इनमें से कोई भी दो ले लो और एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल को सिमिलर कर लो. बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए पी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी बी. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जब ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल. तो हमने इनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल कर लेना है. ए पी सी ट्राइंगल में पी ए, ठीक है, और डी पी बी ट्राइंगल में डी पी. ठीक है, पी ए अपॉन डी पी इज इक्वल टू सी पी अपॉन पी बी. ये साइड इसके प्रोपोर्शनल कर लेनी है, ये इसके कर लेनी है. अब देखिए ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है कि आपने परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर करना है, हाइपो अपॉन हाइपो करना है और बेस अपॉन बेस करना है. इसमें आप कोई भी साइड जो है वो प्रोपोर्शनल कर सकते हैं. ठीक है, एंगल भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ. तो पी ए अपॉन डी पी इज इक्वल टू सी पी अपॉन पी बी, तो इसको मल्टीप्लाई किया, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा. सेकेंड इसका पार्ट है, ये देखिए ये ट्राइंगल है, ये एक सर्कल है और इस तरह से ना पी बी ए, ठीक है, इसको एक्सटेंड, पी इज द एक्सटीरियर पॉइंट है. ठीक है, तो टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट इसमें क्या था कि दो कोड्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे, और पॉइंट पी लाई कर रहा था विद इन द सर्कल. इसमें पॉइंट पी पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन पी पॉइंट लाई कर रहा आउटसाइड द सर्कल. ठीक है, तो इसको भी आपने प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी डी बी. ठीक है, अब ये देखो ये पी पॉइंट जो है वो इसको छोड़ दो. ए बी डी सी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. आपने नाइन्थ क्लास में किया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इन विच द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाइज ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. तो ए बी डी सी चार वर्टिसेस हैं क्वाड्रिलेटरल के और ये चारों जो हैं सर्कल की बाउंड्री पर लाए कर रहे हैं, तो ये बन रहा है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी प्रॉपर्टी आपने की थी कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. ठीक है, तो ये यहाँ पे नेमिंग कर दी हमने, तो ये एंगल फोर एक्सटीरियर एंगल आ गया ना, ए बी डी सी का एक्सटीरियर एंगल है फोर, ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल फाइव के इक्वल आ जाए. ठीक है, और एंगल थ्री, एंगल ये एक्सटीरियर एंगल आ गया एंगल वन, तो ये थ्री के ऑपोजिट आ गया, तो एंगल थ्री इज इक्वल टू वन. दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, एंगल थ्री एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. अब आपने जो ट्राइंगल प्रूव करनी है, ट्राइंगल प्रूव करनी है पी ए सी ट्राइंगल और
PDB ट्राइंगल, PAC ये वाली ट्राइंगल और PBD जो बड़ी ट्राइंगल है इसको आपने सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो PAC ट्राइंगल में एंगल 1 और PBD ट्राइंगल में एंगल 3 जो हमने ऊपर प्रूव किया, और PAC ट्राइंगल में एंगल 4 और PBD ट्राइंगल में एंगल 5 जो हमने ऊपर प्रूव कर लिया है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1 ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि हमने ये प्रूव कर लिया बाय एंगल एंगल्स, अब हमने दो ही लिए ना, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PBD। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को फिर से आप प्रोपोर्शनल कर लेंगे, तो PA अपॉन PD, ये देखो PA इस ट्राइंगल में और PD जो है वो जो आपकी बड़ी ट्राइंगल है इज इक्वल टू PC अपॉन PB, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो PA अपॉन PB इज इक्वल टू PC अपॉन PD आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सम्स करने थे, ये आपकी लास्ट वर्कशीट रहती थी ना, इसका जो 10th क्वेश्चन है इसको नहीं करेंगे हम, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। तो 9th क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था तभी साथ में ही करवा दिया था 9th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे आप, थैंक यू।